तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी लोग 150 टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या है, कैसे यूज है, कैसे काम करती है, कैसे डोज है, कैसे प्राइस है, कैसे साइड इफेक्ट है और क्या इसके अंदर दवाई पड़ी हुई है, क्या साल्ट है, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को प्लीज स्किप ना करें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। लेकिन उससे पहले वीडियो पर अगर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। दोस्तों इस टैबलेट के अंदर एक साल्ट पाया जाता है रेनिटिडिन 150 mg में, इसीलिए इस टैबलेट का नाम है ऐसी लोग 150 या ऐसी लोग 150। एक टैबलेट आती है ऐसी लोग 300 यानी 300 जिसके अंदर रेनिटिडिन 300 mg में मिलता है, लेकिन वो कम यूज की जाती है लेकिन कम यूज की जाती है, ज्यादातर ऐसी लोग 150 इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो जान लेते हैं कैसे काम करती है। देखिए जो रेनिटिडिन होता है वो आपके हिस्टामिन केमिकल को ब्लॉक करके आपके पेट में बनने वाले एसिड को कम करता है, यानी जो एसिड बनने वाला है उसे कम मात्रा में बनने देता है या उसे बिल्कुल हटा देता है, क्योंकि खाना पचाने के लिए आपको एसिड की जरूरत होती है, लेकिन जब अधिक मात्रा में बन जाए, एक्सेसिव अमाउंट में बन जाए, वो आपको दिक्कत पैदा कर सकता है, खट्टी डकार है, उल्टी का मन हो जाएगा, तेजाब बन जाएगा। तो ये पहले ही काम कर देती है और आपको एक्सेसिव अमाउंट में एसिड नहीं बनता है। अब जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। अगर आपको इंडाइजेशन यानी कब्ज की दिक्कत है, आपको एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत है, आपको खट्टी डकारें आती हैं, आपको हार्ट बर्न यानी छाती में जलन दर्द महसूस देता है, अगर आपको गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज यानी GORD की दिक्कत है, ये GORD की दिक्कत तब होती है जब एसिड रिफ्लक्स लंबे समय तक आपको बना रहता है, तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आपने एक चीज नोट की होगी, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी बीमारी से संबंधित कोई दवाई देता है, दर्द की, बुखार की, नजले खांसी की या कोई और चीज की, उसके साथ ऐसे लोग टैबलेट जरूर लिख करके देता है। वो इसलिए क्योंकि देखिए कुछ दवाई क्या करती है, एसिड बना देती है, तो जब आप ये टैबलेट लेते हैं तो वो एसिड नहीं बनने देती है और आपको दिक्कत नहीं होती है, तो वो इसीलिए लगा करके देते हैं। कुछ डॉक्टर पेंटोप्राजोल देते हैं, इसोप्राजोल देते हैं, रेप्राजोल देते हैं, ये होती है PPI प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, कुछ लोग एंटासिड देते हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरी की दवाई है। H2 ब्लॉकर हो गई ऐसी लोग जो रेनिटिडिन है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर हो गए पेंटोप्राजोल, रेप्राजोल, इसोप्राजोल, और एंटासिड हो गए जैसे जेलोसिलेम्पियस जेल हो गया है ना, ये या म्यूकेन जेल हो गया या डाइजीन जेल हो गया, तो इस तरह के ये होते हैं एंटासिड। अभी कैसे काम करते हैं, देखिए जो H2 ब्लॉकर होते हैं जैसे रेनिटिडिन की बात करते हैं, इनको आपको खाना खाने से पहले लेना होता है, क्योंकि जब आप इन्हें पहले लेते हैं तो ये काम करना शुरू करती है, हिस्टामिन केमिकल को ब्लॉक करती है और एसिड नहीं बनने देती है। खाना खाने के बाद आप रेनिटिडिन यानी ऐसी लोग टैबलेट नहीं लेनी है, खाना खाने से एक घंटे पहले आपको ये टैबलेट लेनी होती है या आधा घंटे पहले ये टैबलेट लेनी होती है, एक गोली सुबह आप ले सकते हैं, एक गोली शाम ले सकते हैं, कंडीशन के अनुसार है, आपकी हैवी दवाई चल रही है, कोई एंटीबायोटिक चल रही है, या फिर आपको ज्यादा ही तेजाब बनता है तो सुबह शाम चल सकती है, या फिर अगर नॉर्मल सी बात है तो आप दिन में एक गोली ले सकते हैं खाना खाने से घंटे पहले। लेकिन अगर ऑलरेडी तेजाब बना हुआ है, एसिड बना हुआ है, तब ऐसी लोग 150 काम नहीं करेगी, क्योंकि ये बनने से रोकती है, बने हुए को खत्म नहीं करती है। अगर बन चुका है तो आपको एंटासिड यानी एसिड को खत्म करने वाली दवा लेनी होती है, जैसे बताया अभी जेलोसिलेम्पियस जेल है या फिर डाइजीन जेल है, गैसोफास्ट हो गए, इस तरह के जो ये चीजें ही आपको इस्तेमाल करनी होती है जो बने हुए तेजाब को खत्म करना होता है। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो 35 या 40 रुपए की आपको 30 गोली मिल जाती है, काफी सस्ती सी है, 1.5 रुपए की टैबलेट मिल जाती है, इतनी महंगी नहीं है। और बात कर लेते हैं इसकी सावधानी की, तो देखिए अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं यानी दूध पिलाती हैं अपने बच्चे को, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ मेडिसिन है, कोई दिक्कत नहीं है, उनमें काफी अच्छा रिजल्ट देती है, जिनको उल्टी का मन कर रहता है प्रेगनेंसी, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इससे संबंधित कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के, वहां पर मैं आपके आंसर करने की पूरी कोशिश करता हूं। वीडियो पढ़ने चैनल पढ़ने तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। अगली वीडियो में नई रोचक जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।